मैंने जैसे कहा मैंने वैसा वैसा किया ना। क्यों? प्यार के लिए। आई लव यू टू फालतू। आई होप फालतू ठीक हो। मतलब हमारे घर में हो क्या रहा? ऐसे कैसे कोई हमारे घर में घुसकर हमारे नाक के नीचे फालतू को लेकर जा सकता है? शायद ऐसे हुआ हो कि फालतू अपनी मर्जी से गई हो। मेरा मतलब है शनाय की तबीयत खराब हो गई और वो देखने चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर वो रूहान के घर पे गई नहीं होगी, किसी और काम से बाहर गई होगी। दीदी ये क्या कह रहे हो आप? वो बिना सहारे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी तो ऐसे अकेले खुद से कैसे जा सकती है? इसका मतलब ये तो नहीं कि तनु जो कह रही थी वो सच है? मतलब फालतू नशे में होने की एक्टिंग तो नहीं कर रही थी ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम सविता? वो क्यों ऐसा करेगी? वो फालतू है, उसके बारे में कोई गंगा में खड़े रह के भी उल्टी सीधी बातें करेगा ना तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे वो सचमुच नशे में थी, इतनी परख तो है मुझे इंसानों की। बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपना दिमाग लगाना बंद करो। अयान वहां पहुंचता ही होगा, वो हमें बता देगा क्या हो रहा है। मुझे तो पूरा शक हो रहा है रूहान पर, पता नहीं किस बात का बदला लेना चाह रहा है वो, पता नहीं किस हद तक गिरेगा वो आदमी। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि अक्सर लोग नशे में ऐसी चीजें करते जो उन्होंने नहीं करना चाहिए, या फिर वो दिल से करना चाहते हो। अगर फालतू रूहान के घर पे मिली तो पता नहीं आयु कैसे रिएक्ट करेगा। अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा।